सन 1857 की क्रांति का दमन करने में अंग्रेजों को लगातार सफलता मिल रही थी। इसका मुख्य कारण था हमारी आपसी फूट और हमारे ही लोगों द्वारा अंग्रेजों की मदद। झांसी के किले पर लहराता स्वाधीनता का हरा झंडा अंग्रेजों की आंख का कांटा बना हुआ था। 6 जनवरी 1858 को सर ह्यू रोज एक विशाल सेना लेकर मऊ छावनी से झांसी के लिए रवाना हुआ। रास्ते में रायगढ़, सागर, बानपुर, चंदेरी आदि विजय करता हुआ वो 20 मार्च को झांसी के पास पहुंचा। झांसी में उस समय मध्य भारत के क्रांतिकारियों का केंद्र था और रानी लक्ष्मीबाई के साथ आसपास के अनेक वीर क्रांतिकारी मौजूद थे। रानी लक्ष्मीबाई को जैसे ही सर ह्यू रोज के आने की खबर मिली, उन्होंने झांसी के आसपास का तमाम इलाका खाली करवा दिया जिससे शत्रु को रसद आदि न मिले। लेकिन कुछ राजाओं ने अंग्रेजों की इतनी मदद की कि उन्हें झांसी तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उधर रानी झांसी का हौसला बुलंद था। वो न सिर्फ क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रही थी बल्कि हर काम की निगरानी भी खुद ही करती थी। उनके साथ पुरुष वीर ही नहीं बल्कि महिलाएं भी थीं, जो युद्ध कला में प्रशिक्षण ले रही थीं और मोर्चेबंदी में बड़ी तेजी से काम कर रही थीं। 24 मार्च 1858 को झांसी की प्रसिद्ध तोप घन गरज ने अंग्रेजों की सेना पर गोले बरसाने शुरू किए। 25 मार्च को अंग्रेजों ने भी जवाबी हमला किया। 26 मार्च को कंपनी की सेना ने शहर के दक्षिणी फाटक पर इतनी जबरदस्त गोलाबारी की कि झांसी की तोपों को ठहर जाना पड़ा। तब पश्चिमी फाटक के तोपची गुलाम गौस खान ने अपनी तोप का मुंह अंग्रेजी सेना की ओर कर दिया। गुलाम गौस खान की गोलंदाजी के सामने कंपनी की सेना नहीं ठहर सकी और उसकी तोपें चुप हो गईं। गुलाम गौस खान की इस बहादुरी से खुश होकर रानी ने उसे सोने का कड़ा इनाम दिया था। 28 और 29 मार्च को भी झांसी की तोपों ने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया, किंतु अगले ही दिन अंग्रेजों की तोपों ने नगर की दीवार का एक हिस्सा तोड़ दिया। इससे झांसी की सेना का मनोबल थोड़ा कमजोर तो हुआ, लेकिन रानी के नेतृत्व में रातों रात 11 मिस्त्रियों ने कंबल ओढ़कर दीवार को ठीक कर दिया। सवेरा होते ही झांसी की तोपें फिर गरजने लगी। अंग्रेजों ने भी पूरी ताकत से अपना आक्रमण शुरू कर दिया। दोनों ओर के लोग मारे गए, फिर भी रानी लक्ष्मीबाई सभी मोर्चों पर खुद जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ा रही थी। 3 अप्रैल को झांसी की स्थिति कमजोर होने लगी। अंग्रेजों की विशाल सेना और गोला बारूद के आगे क्रांतिकारी सेना का टिक पाना मुश्किल हो गया। फिर भी रानी घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना के सिपाहियों और अफसरों के हौसले बढ़ा रही थी और बिजली की तरह सभी मोर्चों पर पहुंचकर जरूरी आदेश दे रही थी। उस दिन शहर के सदर दरवाजे पर अंग्रेजों ने भारी मोर्चाबंदी की थी, नगर की दीवार पर सीढ़ियां लगा ली थी और उनसे चढ़कर अंदर आने की कोशिश हो रही थी, किंतु झांसी की दीवारों से गोलों और गोलियों की इतनी जबरदस्त बौछार हुई कि अंग्रेजों की सेना को पीछे हट जाना पड़ा। किंतु उधर दक्षिणी दरवाजे पर किसी विश्वासघाती ने द्वार खोल दिया और अंग्रेजों की सेना नगर में विजय का डंगा बजाती हुई घुस गई। रानी ने किले की दीवार पर से नगर निवासियों पर कंपनी की सेना के जुल्म देखे।
उन्होंने तुरंत 1000 सिपाही लिए और मुकाबले के लिए बढ़ी। अब तलवारों और बंदूकों की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। रानी ने इतनी बहादुरी से युद्ध किया कि अंग्रेजी सेना को पीछे हटना पड़ा, किंतु रानी के कई वीर सरदार और बहादुर तोपची इस युद्ध में मारे गए। उधर उत्तर दिशा का सदर दरवाजा भी खुल गया और कंपनी की सेना वहां से आगे बढ़ने लगी। रानी ने सोचा कि विश्वासघातियों के कुचक्र के कारण अब और यहां ठहरना संभव नहीं रह गया है, इसलिए यहां से निकलकर कहीं और जाएं और वहां से क्रांति का संचालन करें। उसी रात को रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी छोड़ने का निश्चय किया। उनकी दो सहेलियां सुंदर और मुंदर और 10-15 सवार भी उनके साथ जाने को तैयार हो गए। आधी रात के समय रानी ने अपनी पीठ पर दत्तक पुत्र दामोदर राव को बांधा और किले की दीवार से हाथी की पीठ पर कूद पड़ी। उनका प्यारा सफेद घोड़ा तैयार था, साथ जाने वाले वीर भी तैयार थे। अब रानी कालपी की ओर बढ़ी। उधर लेफ्टिनेंट बोकर को जैसे ही पता लगा, उसने रानी का पीछा किया। सवेरा होने तक रानी मांडेर गांव पहुंची, जहां दामोदर राव को दूध पिलाया, किंतु तब तक पीछा करते हुए लेफ्टिनेंट बोकर के आने की खबर मिली। जब लेफ्टिनेंट बोकर और रानी का आमना सामना हुआ तो रानी ने अपनी तलवार के एक ही वार से उसे मार गिराया। अंत में उसके साथी भी सिर पर पैर रखकर भागे। सारा दिन और आधी रात तक लगातार दौड़ता हुआ रानी का घोड़ा कालपी पहुंचते पहुंचते ही गिरकर मर गया। रानी को इससे बहुत दुख हुआ। कालपी में उस समय नाना साहब के भतीजे राव साहब और सेनापति तात्या टोपे मौजूद थे। रानी ने उनके साथ बैठकर सारी स्थिति पर विचार किया। उधर बांदा के नवाब, शाहगढ़ और बानपुर के राजा भी अपनी अपनी सेना लेकर कालपी आ गए। सर ह्यूरोज अपनी सेना लेकर कालपी आ गया। वहां रानी के नेतृत्व में क्रांतिकारी सेना ने घमासान युद्ध किया। अंग्रेजों की सेना के हौसले कमजोर पड़ गए, किंतु उन्होंने संगठित होकर फिर से हमला किया और क्रांतिकारी सेना को हार कर पीछे हटना पड़ा। 24 मई को कंपनी की सेना ने कालपी में प्रवेश किया। रानी लक्ष्मीबाई अपने साथियों को लेकर कालपी से निकल गईं। उधर तात्या टोपे चुपचाप ग्वालियर पहुंचे और सिंधिया की सेना तथा ग्वालियर की जनता को क्रांति सेना का साथ देने के लिए तैयार कर लिया। गोपालपुर में तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई और राव साहब को बताया कि ग्वालियर की सेना की मदद से हम कंपनी की सेना को हरा सकते हैं। ग्वालियर पहुंचने पर क्रांतिकारी सेना का बड़े हर्ष से स्वागत हुआ। ग्वालियर की क्रांतिकारी सेना ने पूरी मदद की तैयारी कर रखी थी। 3 जून 1858 को ग्वालियर के फूलबाग में बहुत बड़ा दरबार हुआ। इस दरबार में रुहेला, राजपूत और मराठा पलटने भी मौजूद थीं। नाना साहब के भतीजे राव साहब को पेशवा का प्रतिनिधि मानकर सम्मानित किया गया। तात्या टोपे को प्रधान सेनापति बनाया गया और 20 लाख रुपए सेना में बांटे गए। उधर सर ह्यूरोज ने निश्चय किया कि इस समय तुरंत ग्वालियर पर हमला करना चाहिए। उसे तात्या टोपे की संगठन शक्ति का सबसे ज्यादा डर था। इधर रानी लक्ष्मीबाई ने राव साहब आदि सभी को चेतावनी दी कि ये समय फुर्सत में बैठने का नहीं है,
बल्कि सेना को मुकाबले के लिए संगठित करना जरूरी है। किंतु रानी की इस सलाह पर उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आखिर सर ह्यूरोज अपनी सेना लेकर ग्वालियर पहुंच गया। क्रांतिकारी सेना तैयार नहीं थी, फिर भी तात्या टोपे ने आगे बढ़कर मुकाबला किया, किंतु क्रांतिकारी सेना हार गई। 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई और सेनापति जनरल स्मिथ का मुकाबला हुआ। रानी की दोनों सहेलियां सुंदर और मुंदर भी साथ थी। स्मिथ ने कई आक्रमण किए, किंतु रानी लक्ष्मीबाई ने हर बार उसे पीछे खदेड़ दिया। इतिहासकार लिखते हैं कि उस दिन सुबह से शाम तक रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार युद्ध भूमि में अद्भुत वीरता के साथ लड़ती रही और विजयी हुई। 18 जून को जनरल स्मिथ और अधिक सेना लेकर फिर से ग्वालियर के पूर्वी फाटक पर पहुंचा। उस दिन दरअसल अंग्रेजों ने कई मोर्चे खोल दिए थे। इस बार जनरल स्मिथ के साथ सर ह्यूरोज भी था। कहते हैं उस दिन सवेरे जब रानी अपनी दोनों सहेलियों के साथ शरबत पी रही थी, तो खबर आई कि कंपनी की सेना बढ़ी चली आ रही है, बहुत बड़ी फौज है। रानी ने तुरंत शरबत का कटोरा फेंक दिया और युद्ध के लिए निकल पड़ी। एक अंग्रेज प्रत्यक्षदर्शी लिखता है, तुरंत सुंदर रानी मैदान में पहुंच गई। उसने बार बार तूफानी गति से सर ह्यूरोज की सेना पर हमला किया, लेकिन उसके सैनिकों की तादाद लगातार कम हो रही थी। आखिर रानी लक्ष्मीबाई चारों ओर से घिर गई, लेकिन रानी ने फिर भी मुकाबला किया। उस समय रानी की दो सहेलियां और 10-15 सवार ही शेष थे। रानी तलवार से अपना रास्ता साफ करती हुई आगे बढ़ी। अंग्रेज अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। रानी की गति इतनी तेज थी कि अंग्रेजों के लिए उन्हें छू पाना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन आगे नाला आ गया और रानी का घोड़ा नया था। उसने बहुत कोशिश की कि घोड़ा नाला पार कर जाए, लेकिन घोड़ा अड़ गया। तब तक पीछा करते हुए अंग्रेज सैनिक वहां पहुंच गए। तभी एक अंग्रेज सैनिक ने पीछे से रानी के सिर पर वार किया। सिर का दाहिना भाग अलग हो गया। फिर भी रानी ने घूमकर एक वार में ही उस सैनिक को मार दिया। तभी एक और वार हुआ और रानी खून से लथपथ हो गई। घोड़े से गिरते गिरते भी रानी ने उस अंग्रेज सैनिक को भी मार दिया। तब तक रानी लक्ष्मीबाई का वफादार नौकर रामचंद्र राव देशमुख पहुंच चुका था। घायल और बेहोश रानी को उठाकर वो पास ही एक साधु की कुटिया में ले गया, ताकि उनका मृत शरीर अंग्रेजों के हाथ न लगे।